सिटी विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। ये जो मेरे पीछे आप एक भीड़ चलते हुए देख पा रहे हैं, ये मामला है राजस्थान के उदयपुर शहर का, जहाँ पर बीते दिनों एक टेलर की निर्मम हत्या कर दी गई। और मामला क्या था, मामला आपको बताते हैं, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी शो के दौरान हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की बातें कही थी, जिसके बाद से उस टेलर के बेटे ने जो है एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की थी, जिसके अंदर उसने नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए पोस्ट कर दी थी। लेकिन भाजपा ने कुछ ही समय बाद जो है उसको निष्कासित कर दिया गया सभी के सभी पदों से नूपुर शर्मा को। लेकिन आज भी जो है सांप्रदायिक घटना को लेकर के काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। लगातार उदयपुर के अंदर धारा 144 लगाई गई है, 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। और आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे लोग आज उनके समर्थन के अंदर उतर आए हैं। कहा जा रहा है कि टेलर को न्याय मिलना चाहिए। सांप्रदायिक घटनाएं लगातार जो है चलती जा रही है और कई लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए सांप्रदायिक घटना की, तो लगातार ये सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? देखिए, सही गलत का, सही गलत के मायने ये है कि आपने किया क्या है। इस प्रकार से जिस प्रकार से निरसन हत्या कन्हैया लाल की गई है, ये किसी मायने में सही नहीं हो सकता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। और ये आज आप मानिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का प्रभाव है कि इतने लंबे दौर तक भी असर है उसका। इस्लामिक जिहाद, आतंकवाद, तालिबानी सोच, इन सब के कारण ही देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर नूपुर शर्मा की बात की जाए, तो उन्होंने भी एक बहस के दौरान विवादित बयान दिया था और उन्होंने भी जो है मोहम्मद जी के ऊपर एक तंज कसा था, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? देखिए, नूपुर ने कोई कुछ भी गलत नहीं कहा था, केवल काउंटर स्टेटमेंट है नूपुर की। एक बार आप बता सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट तो सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे चल रही है। वो जो स्टेटमेंट थी वो कुरान में बाकायदा लिखी हुई है, वो चर्चा का विषय है। आप मुझे ये बताइए, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। अगर नूपुर शर्मा की बात की जाए, तो ये मामला जो है एक मस्जिद की बहस से शुरू हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है कि इस मामले के अंदर एक टेलर का कत्ल करना कहां तक जायज था? नूपुर शर्मा ने कोई भी गलत वर्ड यूज नहीं किया था, जो उनके इस्लाम में है उसने वही बोला था। और जो ये कन्हैया लाल का हत्या का मामला है, ये बहुत संगीन अपराध है, ये आतंकवादी घटना है। हम इनका बिल्कुल खंडन करते हैं और राष्ट्रपति महिमोहिन से हम दरख्वास्त करते हैं कि इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ये आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक स्पेशल उस धर्म के नाम पे ये लोगों को बरगला रहे हैं। हिंदू बताइए, खाली कन्हैया कुमार नहीं है, काफी सारे लोग ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं का शिकार होते जा रहे हैं। धर्म के नाम के ऊपर, हिंदू मस्जिद के नाम के ऊपर लगातार लोगों का कत्ल होता जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समाज के अंदर हम हमारे भारत देश को कहां देखते हैं? हम हमारे भारत देश का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। हम सब पूरे देशवासी इकट्ठा होकर इस चीज़ का विरोध करेंगे और इकट्ठा होकर सब हिंदू भाई इकट्ठा होकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। और ये देखिए, भगत सिंह जो है हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से भगत सिंह ने पूरे देश को न्याय दिलवाया था, आज आप भी इस क्रांति के अंदर शामिल हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की अगर बात की जाए, तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? और अगर नूपुर शर्मा की बात करूं, तो उनका बयान जो है विवादित होता जा रहा है, लेकिन भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया था, तो उसके बाद ये मुद्दा उठना आपको क्या लगता है जायज नहीं है? ये मुद्दा जो उठ रहा है नूपुर शर्मा का, ये बिल्कुल जायज है। नूपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा था, लेकिन देश के क्या आप बता सकते हैं उन्होंने क्या कहा था? मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, 6 साल के साथ शादी करना, इतना ही बोल दिया था, कोई गलत तो नहीं बोला था, शादी करना ही बोला था। उसी लिखा हुआ है, उन्होंने पढ़ के सुनाया है कि आपके या तो कुरान में जो लिखा हुआ ये गलत है, या उन्होंने पढ़ा है,
नूपुर शर्मा के कोई शब्द नहीं है जो उन्होंने एक डिक्टेट किया है, लिखा हुआ पढ़ा है और पढ़ याद उन्होंने कहा तुम्हारी ये किताब गलत है। लिखा हुआ पढ़ा है तो क्या उन्होंने जो है कुरान के अंदर से देख करके पढ़ा था? बिल्कुल वो लेके आए, पढ़ के जाया था। क्या बता सकते हैं क्या पढ़ा था? वो ऐसा है, पहली बात तो उनके सारा उन्होंने लिया था कि आपके धर्म में क्या 6 साल की बच्ची से शादी करना और 9 साल की उम्र के समय उसके साथ में संबंध बनाना क्या सही है? और वो भी आप वो मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियो के लिए, मेरे पास में है नूपुर शर्मा को एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे उनको। लेकिन अगर वो सही थे तो भाजपा की तरफ से उनको प्रवक्ता के रूप के अंदर निष्कासित क्यों कर दिया गया? वो ऐसा था कि किसी भी विरोधियों का काम होता है किसी को एक्साइट करना, तो दूसरे का भी है कि उसको थोड़ा सा अपने संयम रखना, ये जरूर है उनके वो सही। अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो ना जाने लाखों पोस्ट शेयर होती है, तो उस टेलर के अंदर ऐसा क्या था कि उसी की पोस्ट के ऊपर आकर के उसी की हत्या की गई? ऐसा है जी, पता नहीं देश की आज़ादी में कितने अनगिनत शहीदों ने जिनका नाम नहीं है, उन्होंने अनगिनत अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, नाम सबका तो नहीं आता। टेलर कन्हैया लाल हिंदू थे, बिल्कुल हिंदू थे, 100% हिंदू थे, और जिहादियों ने आकर के उनका गला जो है कत्ल कर दिया उनका। कहाँ कर दिया, तो उनको उन्होंने देखा बेचारा वही है, पकड़ लो इसी को, नहीं तो ये क्या सारे सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, इनमें आके देखो कोई यादी। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो लाखों लोग हजारों लोग सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना पोस्ट डालते हैं और कोई भी गेट कीपिंग नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, जो जिसका मन चाहे वो डाल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालना भी कई लोगों को भारी पड़ जाता है। हालांकि अगर उस टेलर की बात की जाए, कन्हैया लाल की, जो है राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे, वहाँ पर जो ये 2 जिहादी घुसे थे, ये सबसे पहले कपड़े सिलवाने के लिए घुसे थे और कपड़े सिलवाने के लिए घुसने के बाद पहले अपना नाप दिया इन्होंने, उसके बाद उस कन्हैया लाल की गला काट करके हत्या कर दी गई। और आपको ये भी बता देते हैं वहाँ पर जो एक व्यक्ति मौजूद था और जो वो टेलर था, उसका साफ तौर के ऊपर ये कहना था कि उसे फ़ोन चलाना नहीं आता, उसके बेटे से गलती से वो पोस्ट शेयर हो गई थी और उसके बाद कन्हैया लाल ने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है वहाँ पर हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं उदयपुर के अंदर। धारा 144 लगी हुई है, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। आज आप लोग देख सकते हैं हिसार के अंदर भी विरोध करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। नूपुर का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है लगातार। 5 जून को भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी के सभी पदों से हटा भी दिया था, निलंबित कर दिया था और नूपुर के खिलाफ जो अलग अलग जगहों पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। वहीं अगर नूपुर की बात करूं तो उनको धमकियां भी मिल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक जगह जो है मामला भी दर्ज कर लिया। हालांकि राजस्थान में हत्या से पहले कई राज्यों में हिंसा हो चुकी है और इसी का विरोध जो है लगातार हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं DC को ज्ञापन देने के लिए आज ये सभी हिसार के लघु सचिवालय के अंदर पहुंचे, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है ज़्यादा हो रहा है और तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है जो सांप्रदायिक घटना आज निकल करके आ रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच के अंदर, क्या ये हमारे देश को आने वाले समय के अंदर खत्म कर देंगे? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्या इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा? इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।